एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 18। किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है और छठे और दसवें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम तीन पद निकालो। तो चौथा और आठवें पदों का योग A4 प्लस A8 बराबर है 24। A4 ये होता है A प्लस N माइनस 1D, तो A4 होता है A प्लस 3D। A8 होगा A प्लस 7D। इन दोनों का जो योग है वो बराबर है 24 के। A प्लस A बराबर 2A प्लस 3D प्लस 7D 10D बराबर है 24। इन दोनों में से 2 को कॉमन लिया तो यहां से बच गया A प्लस, यहां से 2 कॉमन लेते ही यहां बच गया 5D बराबर 24 को मैं लिख सकता हूं 2 × 12। तो अब 2 से 2 कट गया, यहां बच गया A प्लस 5D बराबर यहां बच गया 12। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से छठा और चौदवां पद, दसवां पद का योग दिया हुआ था 44, तो A6 प्लस A10 बराबर 44। A प्लस 5D प्लस A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D बराबर है 44 के। A प्लस A 2A प्लस 5 प्लस 9 14D बराबर 44। इसमें से भी 2 को कॉमन लेकर और 44 को 2 × 22 लिखकर हम 2 से 2 को काट देंगे तो हमारे पास बच जाएगा A प्लस 8D बराबर 22। इसको लेंगे हम इक्वेशन 2। पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को हम माइनस कर देंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर देंगे। पहली इक्वेशन थी A प्लस 5D माइनस A प्लस 8D, यह है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर 12 माइनस 22, ब्रैकेट को खोलेंगे A प्लस 5D माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर वाले दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस A का बन जाएगा माइनस A और माइनस इंटू प्लस माइनस 8D बराबर प्लस माइनस माइनस 22 में से 12 घटाए 10, साइन बड़ी रकम का माइनस 10। A से A कट जाएगा, 5D माइनस 7D प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 गए 2, साइन बड़ी रकम का माइनस, यह आ गया माइनस 2D बराबर, यहां बचा माइनस 10। माइनस A माइनस कट गया, D बराबर, या ऐसा भी कर सकते हैं कि 10, 2 इधर गुना हो रहा था उधर जाके भाग, 2 से 10 कट गया 5, तो D आ गया हमारे पास 5। ये D का D बराबर 5 हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो A प्लस 5D, 5 इंटू D की जगह हमने निकाला है 5 बराबर 12, 5×5=25, जब ये उधर जाएगा तो 12 में से माइनस हो जाएगा तो A आ जाएगा माइनस 13। इस प्रकार से हमारे पास D आया है 5 और A आया है माइनस 13। तो एपी के प्रथम तीन पद, A होता है पहला पद, D है प्लस 5, तो माइनस 13, इसमें प्लस 5 करेंगे तो आ जाएगा माइनस 8, इसमें प्लस 5 करेंगे तो सॉरी यहां आएगा माइनस 3। ये हो जाएंगे इस एपी के प्रथम तीन पद। प्रश्न नंबर 19 है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपए से के मासिक वेतन पर कार्यारंभ किया, हर साल उसकी 200 रुपए की वेतन वृद्धि हुई, वेतन में बढ़ोतरी हुई, किस वर्ष में उसका वेतन, कितने सालों में उसका वेतन 7000 होगा। तो एपी बनेगी, पहले साल उसका वेतन था 5000, तो ये हो गया प्रथम पद, 200 रुपए बढ़ गए तो 5200, फिर 200 बढ़ गए तो 5400। ए आ गया हमारे पास 5000 क्योंकि यह प्रथम पद है। डी आ गया 5200 में से 5000 निकाल दिया तो 200। हमें ए एन निकालना है, ए एन हमें दिया है 7000, हमें एन निकालना है। ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 7000। इसमें जब हमने सारी वैल्यूज डाली, ए की जगह 5000, डी की जगह 200, इसको जब हमने हल किया, 5000 इधर प्लस हो रहा था उधर जाके माइनस, 200 इधर गुना हो रहा था उधर जाके भाग, और 2000 को जब 200 से भाग किया तो ये आ गया 10, क्योंकि 0 से 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 2 20 पे कट गया 10, माइनस 1 था उधर जाके हो गया प्लस 1, तो इससे हमारे पास एन आ गया 11, यानी कि 11वें वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपए हो गया। इसका एक प्रश्न और है, ये भी 19वें प्रश्न की तरह ही है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और हर साल अपनी बचत को 17.5 रुपए यानी 17 रुपए 50 पैसे बढ़ाती गई।
यदि nवे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपए हो गई, 207 रुपए 50 पैसे हो जाती है, तो n ज्ञात कीजिए। पहले मंथ था 50 तो a आ गया 50, हर हफ्ते बढ़ाया 17.5 तो d आ गया 17.5। एपी बन जाएगी 50, 50 में 17.5 प्लस किया 67.5, ये दूसरा पद, 67.5 में 17.5 प्लस किया तो आ गया 85, ये हो गया इसका तीसरा पद। ए एन हमें दिया हुआ है 207.5, ए प्लस एन माइनस वन, ए एन का फॉर्मूला है, इंटू डी बराबर 207.5, ए की जगह हमने लिखा 50 प्लस एन हमें निकालना है, डी की जगह हमने लिखा 17.5, 50 इधर प्लस हो रहा था उधर जाके हो गया माइनस, 17.5 इसके साथ गुना हो रहा था इसको माइनस करके 17.5 हो गया भाग। जब इसको आप हल करेंगे, इसको भाग करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 9, एन माइनस वन बराबर है 9, तो n आ गया 9, 1 उधर प्लस हो गया 10, तो n आ गया 10। इसका मतलब 10 हफ्तों के बाद उसकी जो साप्ताहिक बचत है वो 207 रुपए और 50 पैसे बन जाएगी।